चीन के अतिवादी नीतियों के खिलाफ, साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया है। ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे बिहार के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, इंडिया के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया भर में मशहूर है, तो एक नया स्पेस और स्कोप भी है कि हम नया ऐप डेवलप कर सकते हैं, नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। 20 लाख लोग तो टिकटॉक ही यूज करते थे, ऐसे में एक नया बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल और नए उद्यमशीलता के लिए भी एक नया स्पेस बनेगा। हम ना करें, चीन के सम्मान भारत के सम्मान से बड़े नहीं हैं। और कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो चाइनीज ऐप है, इसके बैन करने से लाखों जो भारत के हमारे भाई बहन हैं, उनका वीडियो बनाने के शौक और उनकी कमाई के जरिए का क्या होगा। तो टिकटॉक नहीं है तो सभी से अपील है कि वो यूट्यूब पे वीडियो बनाए और यूट्यूब के माध्यम से अपना रेवेन्यू मॉडल विकसित करें। और मुझे पता है कि आरजेडी के नेता तेज प्रताप जी, उनको भी टिकटॉक पे वीडियो बनाने का शौक था, तो वो भी आहत होंगे। उनसे भी अपील है कि वो यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाए और यूट्यूब चैनल बना करके अपना एक रेवेन्यू मॉडल विकसित करें।